गाइस, स्वागत है तुम्हारा हमारे इस फेवरेट वीडियो सीरीज में, जहां हम और तुम हम सब मिलके कुछ स्टार्स की नाकामयाबियों से सीखते हैं। थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब हम सिर्फ उनके बारे में बातें करते हैं। इस सीरीज का यार पार्ट 4 वैसे तो देखो लास्ट मंथ आ जाना चाहिए था, लेकिन इस वीडियो के डीले के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। अपने काम को सीरियसली ना लेना, बिल्कुल उन स्टार्स की तरह जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो पिछले पार्ट्स में हमने 15 लोगों को आलसी, नाकामयाब, इर्रेस्पॉन्सिबल, नशीली, डिप्रेस्ड और इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन तुम लोग नेक्स्ट पार्ट, अबे नेक्स्ट पार्ट यार इतना स्पैम करते हो ना कि अब तो यार मुझे भी मजा आने लग गया है। तुम्हारे साथ अब मैं भी सेडिस्ट बन गया हूँ। बिग बॉस इसी टाइप के लोगों के लिए सबसे फिट जगह है। नंबर 5, आयशा टाकिया। जब हम यार छोटे थे तो कहीं ना कहीं हम सबको कार्स का शौक था, और अगर कार ऑटोमेटिक हो जो खुद से चलती हो, ये कोई ड्रीम कार से कम नहीं था। उसी टाइम हम सबको देखने को मिली, हम सबके लिए यार बचपन में जो फिल्म एंटरटेनमेंट थी, वो फिल्म आयशा टाकिया के लिए उसके करियर की शुरुआत थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। 2009 में सलमान खान के अपोजिट वांटेड में भी दिखी थी वो, जिसमें उन्हें काफी पसंद भी किया गया। अपनी पहली फिल्म से ही आयशा ने बॉलीवुड में पैर जमा लिए थे। उन्हें 2004 से लेकर 2011 तक काफी बड़े एक्टर्स के साथ लगभग 21 मूवीज में काम मिला। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो काफी ग्लैमरस थी, उन्हें काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे थे, और हिंदी में फ्लुएंट ना होने के बावजूद भी आने वाले टाइम में शी वाज सपोज्ड टू बी अ बिग नेम। लेकिन 2009 में आयशा टाकिया ने अपने देन बॉयफ्रेंड होटलियर फरहान आजमी से शादी कर ली। आयशा ने शादी के बाद ही बॉलीवुड से दूरी बना ली थी। इतना ही नहीं, आयशा ने शादी के बाद अपना रिलीजन भी इस्लाम में बदल लिया। आयशा कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन हर मैरिज, और 2013 में उन्हें एक बेटा भी हो गया। कुछ साल बाद उनकी कुछ फोटोज लीक हुई और बोला गया कि उन्होंने सर्जरी वगैरह करवाई, विच वेंट रॉन्ग, लेकिन आयशा ने उन फोटोज को मॉफ बताया। आयशा टाकिया ने बीच में कुछ बॉलीवुड पार्टीज भी अटेंड की, जिससे लगा कि वो बॉलीवुड में कमबैक करना चाहती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बॉलीवुड काफी आगे निकल चुका था। टार्जन द वंडर कार से लेकर आज तक यार हम बहुत बड़े हो गए हैं, और साथ ही आयशा टाकिया के दल्ले। आयशा टाकिया यार एटलीस्ट हमारी जनरेशन के साथ तो स्टार्टिंग से ही रिलेवेंट रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम उन्हें शायद कभी स्क्रीन पे देख ही ना पाए। नंबर 4, इमरान खान। इमरान ने अपने करियर की शुरुआत जाने तू या जाने ना जैसी कल्ट क्लासिक मूवी से की थी, जिस मूवी का गाना आज भी सबके लिए रिलेटेबल है, बिकॉज यार वी आर डिप्रेस्ड एज फक। इमरान ने 2008 से लेकर 2015 तक दिल्ली बेली, लक, किडनैप, मेरे ब्रदर की दुल्हन, ब्रेक के बाद जैसी काफी अच्छी मूवीज दी। 2015 में कंगना रनौत के साथ आई उनकी फिल्म कट्टी बट्टी के बाद इमरान बॉलीवुड से यार गायब ही हो गए। इमरान से पूछने पे उन्होंने बताया कि वो जब से एक्टर बने हैं, वो अपनी एक पर्सनल स्पेस बहुत ज्यादा मिस करते हैं। 5-6 साल से भले ही वो एक्टर हैं, लेकिन 30 साल से तो यार वो इंसान ही है ना, मतलब ऐसा इमरान का कहना है। डोंट यू चिल मी, मेरा प्लान था आज घर जाएंगे, दो फिल्में देखेंगे, गंदी वाली मूड बनाएंगे, अब रहो यहीं पे सारी रात। इसका मतलब कंगना कैन एक्चुअली फक अप योर मेंटालिटी यार। इमरान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनका पर्सनल स्पेस था, एंड दैट्स व्हाई ही क्विट एक्टिंग। न्यूज़ ये भी थी कि अब इमरान बॉलीवुड में एज अ डायरेक्टर वापस आएंगे, जो वो हमेशा से करना चाहते थे। आई डोंट थिंक कि अब इमरान खान कभी बॉलीवुड में वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन एक न्यूज दे रहा हूँ, इमरान खान ने अभी रिसेंटली अपने फैन को रिप्लाई देते हुए कहा कि इस कमेंट पे 1 मिलियन लाइक्स और मैं शायद कमबैक कर लूं। तो यार वी डोंट नो कि क्या होने वाला है, बट वी वांट कि इमरान खान एक बार तो यार वापस आ ही जाए। नंबर 3, मालिनी शर्मा। मालिनी शर्मा को कौन नहीं जानता, और अगर कोई नहीं जानता तो करीब आओ, बताता हूं। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अबे हाँ, हम सब की फेवरेट भूत, जिन्हें राज में देख के डर कम और झटके थोड़े ज्यादा लग रहे थे। अगर भूत यार ऐसी दिखती है तो यार मुझे भी उससे चिपटना।
मालिनी शर्मा ने अपना करियर एज अ मॉडल स्टार्ट किया था, उसके बाद उन्हें काफी फेमस वीडियो सॉन्ग्स में भी देखा गया। राज मालिनी की डेब्यू फिल्म थी, उससे हैरानी की बात यह है कि उसके बाद उन्होंने कभी कोई फिल्म ही नहीं की। मालिनी शर्मा ने 1997 में प्रियांशु चैटर्जी से शादी की थी, लेकिन 2001 में उनका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डाइवोर्स हो गया। और 2002 में राज मूवी आने के बाद उन्होंने बॉलीवुड तो छोड़ा ही, उनका किसी सोशल मीडिया पे आज तक कोई प्रेजेंस नहीं है। इट्स लाइक शी जस्ट डिसअपीयर्ड। उन्हें उसके बाद से ना कहीं स्पॉट किया गया और ना ही उनकी कोई न्यूज आई है। क्या इसके पीछे कोई है? क्या उनकी फिल्म की वजह से उनके साथ कुछ हुआ? हमें शायद ये कभी पता नहीं लग पाएगा। नंबर टू, तनुश्री दत्ता। तनुश्री दत्ता जिन्होंने अपने एक गाने की परफॉर्मेंस से सबको अपना आशिक बनाया था, जिन्होंने अपनी डेब्यू मूवी में भी इतना बोल्ड अवतार रखा था कि ऑडियंस उन्हें देखती ही रह गई थी। तनुश्री की बॉलीवुड में एंट्री मिस इंडिया पेजेंट जीतने के बाद हुई। उन्होंने 2005 और 2010 के बीच बॉलीवुड की काफी मूवीज में काम किया। 2008 में तनुश्री ने बहुत ही संगीन इल्जाम लगाते हुए नाना पाटेकर के खिलाफ हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल की, जिसका तनुश्री को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ और इंडस्ट्री में उनको काम मिलना बंद। They're all sideys and they're all like I said, real men and gentlemen do not behave like that. 2013 में एक इंटरव्यू के दौरान तनुश्री ने फिर से उन एलिगेशंस को रिपीट किया, जिसे लोगों ने इग्नोर कर दिया था। तनुश्री ने बॉलीवुड तो छोड़ा ही, उन्होंने इंडिया भी छोड़ दिया था। 2018 में जब वो इंडिया वापस आई थी तो उन्होंने उन एलिगेशंस को फिर दोहराया, जहां से इंडिया में #MeToo की शुरुआत हुई और उसके चलते काफी मॉडल्स ने भी अपनी स्टोरीज शेयर की, काफी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स पर इल्जाम लगा के। लेकिन नाना पाटेकर पे सिर्फ एक, तनुश्री का इल्जाम था। से लोग बोलते हैं ना, नाम क्यों नहीं ले रहे हो? और मैं तो 2008 से नाम ले रही हूँ। लोगों ने साइट्स लेनी शुरू कर दी। तनुश्री ने ये तक बोला कि उसे बॉलीवुड माफिया गैंग से धमकियां मिल रही हैं और उनका किसी ने एक्सीडेंट तक भी करवा दिया था। लेकिन मी टू मूवमेंट और तनुश्री जैसे ही आए थे वैसे ही वापस भी चले गए और तनुश्री को बॉलीवुड से काम तो दूर, सिंपति भी नहीं मिल पाई। नंबर वन, पूजा भट्ट। पूजा भट्ट ने अपने करियर की शुरुआत सिर्फ 17 साल में ही कर दी थी। उन्हें उनके पापा डायरेक्टर महेश भट्ट ने 1989 में अपनी ही मूवी जाजी में लॉन्च किया था, जिसका खामियाजा वो आज तक भुगत रही हैं। 1991 में आई आमिर के अपोजिट उनकी फिल्म दिल है कि मानता नहीं काफी बड़ी हिट साबित हुई और उसी के साथ नेक्स्ट सड़क मूवी से बॉलीवुड में पूजा भट्ट ने एज एन एक्टर पैर जमा लिए थे। कि महेश भट्ट को लगा कि ये सब ज्यादा स्मूथ जा रहा है, मेरी तरह परिवार में एक और होना चाहिए भट्ट का नाम खराब करने के लिए। और उसके बाद पूजा भट्ट ने मैगजीन्स के लिए शूट करना स्टार्ट कर दिया। पूजा ने अपने 20s में काफी बोल्ड शूट्स किए, न्यूड बॉडी पेंट सूट, बिकिनी में न्यूड लड़कों के साथ शूट और कभी-कभी बोल्ड अवतार में आई एम नॉट वर्जिन जैसे बोल्ड टैगलाइन के साथ भी देखी गई। वो शायद इसीलिए सलमान ने कभी पूजा भट्ट के साथ कोई मूवी नहीं की, क्योंकि वो वर्जिन है ना। लेकिन आज तक नथिंग टॉप्स द शूट जो उन्होंने अपने ही पापा के साथ किया था, जिसमें वो महेश भट्ट के लैप पे बैठ के उन्हें लिप किस कर रही थी। उसके बाद उनके साथ वही हुआ यार जो वो डेली दूसरों पे करती है। हम तो कभी वायरल हुए नहीं लाइफ में। आईना तोड़ने से शक्ल ठीक नहीं हो जाती, फितरत में है। मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। पूजा भट्ट ने 9 साल के करियर में 20 से 25 फिल्में की और जब वो कंट्रोवर्सी से भी रेलेवेंट रहने में नाकामयाब रही तो उन्होंने 1996 में अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर दिया। हाँ, मगर उनपे थोड़ी ना डिपेंडेंट है। लेकिन फिर उन्हें काफी सालों बाद कुछ प्रोजेक्ट्स में ऑन स्क्रीन देखा गया, लेकिन बिग बॉस ओटीटी में आगे उन्होंने फाइनली अपना नाम खराब नाम कमा लिया है। इस बार शायद यार थोड़ा ज्यादा लंबा चलेगा, बट स्टिल फ्रॉम बींग द मेस्मराइजिंग सड़क लीड टू बिग बॉस, भट्स हैव कम अ लॉन्ग वे। You don't, there are no answers. There are pretenders who claim to have answers. तो यार ये थे वो 5 stars who ruined their own career. पर तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, दूसरों की गलतियों से यार सीखो, खुद अपने आप को दूसरों से ऊपर बिल्कुल मत समझो और अपने मम्मी पापा की बातें सुनो। Don't trouble your mother.
हम मिलते हैं अगली वीडियो में यार, तब तक के लिए तुम लोग जो नीचे सब्सक्राइब बटन है ना वो दबा दो और जल्दी से 1.5 लाख क्रॉस करवाओ, और जो नीचे लाइक बटन है वो दबाना बिल्कुल मत भूलना अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई। तुम लोग मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा काय, ओके बाय। और तुम लोग भी लाइक कर दो, जो नहीं करेगा उसको दूंगा हैंड पंप, ओए हैंड पंप, उसको दूंगा हैंड पंप।